सुबह संभल के चंदौसी में जनता ने पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा की। देश में चल रहे लॉकडाउन के इस समय में देश के विभिन्न स्थानों से पुलिस और प्रशासन के साथ लोगों द्वारा की जा रही बदतमीजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जनपद संभल के चंदौसी से दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर आज नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदु रानी के नेतृत्व में आवास विकास कॉलोनी में लोगों ने पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद की उपस्थिति में पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा करके उनका उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर सड़क पर घूम रहे लोगों को पुलिस अधीक्षक ने लॉकडाउन का पालन करने की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गुज्जर भाई, ये किस तरह का आपने प्रयास किया? जनपद संभल में लगातार लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मत जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कभी आवश्यक वस्तु लेते समय, मेडिसिन लेते समय, सब्जी लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं भी अनावश्यक रूप से मत जाएं, फेस मास्क लगा करके रखें, अपने घरों पर रहें और जो लोग अनावश्यक रूप से आ रहे हैं उनसे ये शपथ भी कराया जा रहा है कि वो इसका अनुपालन करेंगे और अपने घरों में रहेंगे, किसी तरीके से वो भीड़ भाड़ वाले स्थान में नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।